गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सिटी मजिस्ट्रेट अभिनव रंजन श्रीवास्तव ने कहा कि गल्ला व्यापारियों के दामों को लॉकडाउन की अवधि तक फिक्स कर दिया गया है। इससे पहले 3 दिनों के मंडी समिति द्वारा दाम निर्धारित की जाती थी, लेकिन अब लॉकडाउन तक गल्ला की कीमतें फिक्स कर दी गई हैं। इसके अलावा पशुओं और जानवरों के चारे का भी दाम निर्धारित कर दिया गया है, जिससे पशुपालकों को कोई दिक्कत ना उठानी पड़े। सिटी मजिस्ट्रेट ने कहा कि निराश्रित पशुओं और आवारा कुत्तों के लिए भी अब भोजन की व्यवस्था कर दी गई है। सिटी मजिस्ट्रेट अभिनय रंजन श्रीवास्तव ने कहा कि अगर कोई व्यापारी निर्धारित दर से अधिक दाम लेते हुए पाया गया तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सिटी मजिस्ट्रेट अभिनव रंजन श्रीवास्तव ने कहा, देखिए राशन की यहाँ पे गोरखपुर में 2 थोक मंडियाँ हैं, एक महेवा मंडी है और एक साहबगंज मंडी है। तो सबसे पहले तो हम लोग 3 या 5 दिन के हिसाब से एक बैठक करते हैं जिसमें व्यापारी होते हैं थोक मंडियों के। थोक मंडियों में हम स्टॉक पहले वेरीफाई करते हैं कितना स्टॉक उनके पास एसेंशियल जो राशन है, जैसे दाल हो गया, चावल हो गया, तेल हो गया, हल्दी होगी, इस तरह के हम 15-16 चीज़ों की लिस्ट बना लिए हैं कमोडिटीज़ की जो एसेंशियल हैं। हम उनके स्टॉक पहले चेक करते हैं, अपने इंस्पेक्टर्स थ्रू चेक कराते हैं कितना स्टॉक है। उस हिसाब से हम लोग एक मीटिंग बैठाते हैं जिसमें ADM सिटी साहब भी रहते हैं, तो उनकी अध्यक्षता में मीटिंग होती है जिसमें हम लोग उसका रेट डिसाइड करते हैं कि स्टॉक के हिसाब से अगले 3 दिन या 5 दिन के लिए ये रेट होना चाहिए। जब थोक मंडी का रेट डिसाइड हो जाता है फिर हम फुटकर वालों के साथ एक मीटिंग करते हैं। फुटकर वाले भी हम जो बड़े यहाँ के प्रोविजन स्टोर्स वाले हैं उनको एक साथ एक बैठक करते हैं। ये बैठक हम एक ही दिन में कर लेते हैं, उसी बैठक में हम फुटकर का रेट डिसाइड कर लेते हैं। उसके बाद हम पूरा एक रेट चार्ट निकालते हैं जो कि फूड विभाग की तरफ से निकलता है। उस रेट चार्ट में जो एसेंशियल 15-16 आइटम्स होते हैं उनका अगले 3 या 5 दिनों का जो रेट होता है वो हम पब्लिश करते हैं। उसको हम लोग विभिन्न मीडिया ग्रुप्स को देते हैं, पेपरों में निकालते हैं ताकि जनता को ये पता रहे कि उनके यहाँ जो भी होम डिलीवरी करने के लिए सामान दुकान से आ रहा है उसका रेट क्या है। और उससे ज़्यादा के लिए फूड विभाग के पूरे इंस्पेक्टर्स जो 8 या 10 इंस्पेक्टर्स हैं वो जांच के लिए लगे हुए हैं, उनके बीच में क्षेत्र बटे हुए हैं। अगर कहीं भी ओवर रेटिंग की शिकायत आती है तो तत्काल उस पर कार्रवाई की जाती है। जो भी खाद्य सामग्री और राशन है जो जनता के लिए एसेंशियल है, जैसे आटा, दाल, चावल, तेल, इन सब का रेट पूर्व निर्धारित किया गया था, अब वो 5 तारीख से प्रभावी था। उसके संबंध में आज फिर जो भी साहबगंज मंडी और महेवा मंडी के व्यापारियों के साथ और जिला प्रशासन की बैठक की गई और उसमें यह तय किया गया कि जो पूर्व में रेट चले जा रहे थे वही रेट आगे भी 14 तारीख तक बने रहेंगे। इस प्रकार जनता को एडिशनल रेट नहीं देना होगा और जो पूर्व के रेट थे वही रेट अभी भी विद्यमान है। इस रेट को अलग अलग माध्यमों से, विभिन्न विज्ञापन के माध्यम से, पेपर के माध्यम से जनता भी पहुंचा दिया गया है। अगर कहीं भी इससे ज्यादा रेट के कोई भी सामान बेचता हो पाया जाता है तत्काल उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसके अतिरिक्त एक मीटिंग जो भी पशु के चारे वाले होते हैं, जो भी दुकानें होती हैं, उनके संबंध में मीटिंग की गई और जो भी पशु का चारा होता है, एसेंशियल जो भी चीजें होती हैं, उसके रेट फिक्स कर दिए गए हैं। मीटिंग बेसिकली मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी एवं उनके विभाग द्वारा ऑर्गेनाइज की गई थी। तो सभी जो एसेंशियल चारे होते हैं उनके रेट फिक्स कर दिए गए हैं और वो रेट आपके माध्यम से और अलग अलग चैनल्स के माध्यम से और प्रिंट मीडिया के माध्यम से जनता को दे दिए गए हैं। तो अगर कहीं भी कोई शिकायत मिलती है कि इससे ज्यादा फिर पशु का चारा बिक रहा है तो उसके खिलाफ भी तत्काल कार्रवाई की जाएगी। इसके अतिरिक्त एक अलग इनिशिएटिव लिया गया है कि जनपद गोरखपुर में कोई भी जो पशु है वो किसी भी तरह भूखा ना रहे, तो मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी की टीम और जो लोग वॉलंटियर इसका एफर्ट करने वाले हैं कल से वो लोग एक टीम बना के रोड पे निकलेंगे और जहां भी इसे भूखे जानवर और निराश्रित जानवर रहेंगे उनको फीडिंग कराएंगे, उनको जो भी चीजें होंगी खाने के लिए देंगे। और हमारा पूरा प्रयास है कि राशन, सब्जी इंसानों को तो मिली रहे, साथ साथ जो भी जानवर है उनको भी पर्याप्त मात्रा मिले। सर, एक जैसे कि स्ट्रीट डॉग्स होते हैं इस समय काफी प्रेजेंट हो गए, क्या वो भी स्ट्रीट डॉग्स के लिए भी हमने एक संस्था से टाइप कर लिया है और उनके लिए भी डॉग फीड जो होते हैं उसकी बात हो गई है। जो हमारी टीम कल से निकलेगी तो पूरा प्रयास ये रहेगा कि सबको जो स्ट्रीट डॉग्स होते हैं, जो भी ऐसे कुत्ते होते हैं, उनको भी फीड्स दी जाए।